प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी पत्रकार आरजू काजमी जी, जो अपने विचार प्रकट करेंगी सीए यानी नागरिकता कानून जो भारत में लागू हुआ है उसमें। हम जानेंगे आरजू काजमी जी की पर्सनल राय, तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। शाहीन बाग और वहां पे जो एक प्रोटेस्ट चल रहा था कोविड से पहले, बल्कि वो खत्म भी इसीलिए हुआ था कि कोविड आ गया तो फिर वो खत्म करना पड़ा। मेरे कई इंडियन दोस्त मुझे कहते थे कि अगर तुम्हारे दादा ना गए होते तो तुम भी यहाँ बिरयानी खा रही होती। तो मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, क्योंकि मैं बिरयानी खाने कहीं भी जा सकती हूँ। अभी तक सोशल मीडिया पे जो न्यूज देखी है उसमें तो लोग यही बात कर रहे हैं कि जी मुस्लिम्स जो है उनके ऊपर कुछ गलत होने जा रहा है, जो कि मैं पाकिस्तान में रह के अभी समझ नहीं पाई कि आखिर मुस्लिम्स को प्रॉब्लम क्या है। अगर दूसरी कंट्रीज से माइनॉरिटीज के लोग, यानी जो किसी भी और रिलीजन से हैं इस्लाम के अलावा, अगर वो भारत में शिफ्ट होते हैं या रहते हैं तो उससे मुस्लिम्स को प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये चीज आई एम सॉरी मैं बिल्कुल पिक नहीं कर पा रही। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ऐसी क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है भाई? आप अपने कंट्री के बारे में बोलो ना, इंडिया के सीए के बारे में बोलो आप। अरे रोहित जी कोई सलाम दुआ करते हैं कि बस ट्रेन चल पड़ती है आपकी। सबसे पहले नमस्कार सब लोगों को, आदाब सलाम अलैकुम, और पता नहीं गुड मॉर्निंग कहना चाहिए क्योंकि आपका वीडियो मॉर्निंग में आएगा। ये जरूर है कि नहीं सीनियर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सीनियर, यार 10-11 साल हो गए, अभी भी सीनियर नहीं होंगे तो कब होंगे। लेकिन आप शक्ल से आज भी मतलब वैसे ही लगते हैं कि जरा भी करियर स्टार्ट किया हो। थैंक यू सो मच, वैसे ये सुन के सब बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा मैं बिल्कुल बात आप सीए की कर रहे हैं, वैसे तो खैर ये है कि ये बिल्कुल ही भारत का एक अंदरूनी मामला है, उनका उनका अपना एक इशू है कि वो किस तरह से इस चीज को लेके चले, और काफी भी पहले 2019 से इफ आई एम नॉट रॉन्ग उस वक्त से ये बात चल रही थी, और वो शाहीन बाग और वहां पे जो एक प्रोटेस्ट चल रहा था कोविड से पहले, बल्कि वो खत्म भी इसीलिए हुआ था कि कोविड आ गया तो फिर वो खत्म करना पड़ा। मेरे कई इंडियन दोस्त मुझे कहते थे कि अगर तुम्हारे दादा ना गए होते तो तुम भी यहाँ बिरयानी खा रही होती। तो मैंने कहा हाँ, बात तो सही है, क्योंकि मैं बिरयानी खाने कहीं भी जा सकती हूँ, तो अगर पता होता कि मैं भी वहां होती तो यकीनन मैं रोज बिरयानी खा रही होती, बाकी किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनती या नहीं बनती, बिरयानी के टाइम पे पहुंच जाती। मगर हाँ बहुत से लोग बात कर रहे हैं, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी बात कर रहे हैं, और भारत में भी हमने देखा कि लोग काफी इस पे बोल रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो माइनॉरिटीज हैं जिनके ऊपर हम अक्सर ही देखते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उन बेचारों को हमारी वजह से रहती है, कभी किसी की बेटियां उठा के ले गए तो कभी किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, कुछ ना कुछ चलता रहता है, अगर उन लोगों को ये कहा जाए चाहे वो किसी भी दूसरे रिलीजन के हो इस्लाम को छोड़ के, अगर भारत ये कहता है कि जी हम आपको आपकी मदद करेंगे, हम आपको अपने यहाँ सिटीजनशिप देंगे या आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, उसके ऊपर इतना नाराज होने की क्या बात है? और ये एंटी मुस्लिम जो है वो कैसे हो गया, ये जो लॉ है वो एंटी मुस्लिम कहाँ से हो गया, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मुस्लिम्स को तो कुछ नहीं कहा जा रहा, बात तो उनकी की जा रही है जो नॉन मुस्लिम्स हैं, और इन तीन कंट्रीज में खास तौर पे पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में है उनकी बात की जा रही है। ऐसे तो अगर आप भारत की बात करें तो भारत में अफगानिस्तान के लोग भी गए हैं, और इसके अलावा बांग्लादेश के भी बहुत लोग वहां पे शिफ्ट हुए हैं, और कई तो ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। पाकिस्तान का भी यही हाल है, आपने भी देखा कुछ दिन पहले हमारे यहाँ चल रहा था कि जी जो अफगानिस्तान से लोग आए हैं उनको निकाला जा रहा था, और कहा जा रहा था जी आप अपनी कंट्री में जाओ। तो ये सब कुछ जो है वो तो चलता रहता है, तब तो कोई कुछ नहीं कहता कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं है, लेकिन अब इसके ऊपर खासतौर पर जो भारत के में शोर मचाया जा रहा है, आपके खासतौर पर अपोजिशन का, अपोजिशन का तो काम ही शोर मचाना होता है, मगर मैं नहीं समझ पाई कि आखिर इस लॉ के अंदर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से सब इतने ज्यादा नाराज हैं और इतना शोर मचा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो किसी के खिलाफ नहीं है, जो भारत के लोग हैं उनके खिलाफ भी नहीं है और जो मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ भी नहीं है ये लॉ,
ये तो सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन के लिए है जो बाकी की तीन कंट्रीज में रहते हैं, खास तौर पे माइनॉरिटीज। अच्छा तो वैसे तो पाकिस्तान में भी आपने बोला कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इलीगल रह रहे हैं, इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ कुछ हमारे लोग बोल रहे हैं कि यार हम बाहर से लोगों को लाएं, इससे अच्छा ये है कि हमारे अंदर कंट्री में जितने उनको उनको वो रोजगार मिले जो हमारा है, बाहर वालों को क्यों मिले। नहीं, बिल्कुल सही है कि बाहर वालों को रोजगार क्यों मिले जो पहले कंट्री के अंदर हैं, पहले तो उन्हीं को मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, जिस तरह से आप लोग अभी नंबर 3 पे और फिर उसके आगे जाने की कर रहे हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल के भारत जो है वो ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता जिनको वो दावत दे रहे हैं। जब आप किसी मेहमान को बुलाते हैं या किसी को भी बुलाते हैं घर में रहने के लिए, तो आपके पास इतना कुछ होता है, जब भी आप कहते हैं ना कि आप आइए हमारे यहाँ रह जाइए, या आप ऐसे ही बस उठकर कह देते हैं कि आ जाइए जी और रह जाइए, यकीनन गवर्नमेंट ने कुछ देखा होगा, कुछ सोचा समझा होगा, ऐसे कोई अपने ऊपर बर्डन तो नहीं डाल सकता। तो ये बात ये भी नहीं हो रही, बहुत से लोग तो ये बात कर भी नहीं रहे हैं कि जी लोग आ जाएंगे तो फिर हमारा हक नहीं मिलेगा या हमें कुछ नहीं मिलेगा। वहां पे जो मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे जो न्यूज देखी है, उसमें तो लोग यही बात कर रहे हैं कि जी मुस्लिम्स जो है उनके ऊपर कुछ गलत होने जा रहा है, जो कि मैं पाकिस्तान में रह के अभी समझ नहीं पाई कि आखिर मुस्लिम्स को प्रॉब्लम क्या है अगर दूसरी कंट्री से माइनॉरिटीज के लोग, यानी जो किसी भी और रिलीजन से हैं इस्लाम के अलावा, अगर वो भारत में शिफ्ट होते हैं या रहते हैं, तो उससे मुस्लिम्स को प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये चीज आई एम सॉरी मैं बिल्कुल पिक नहीं कर पा रही। ये भी है कि मुस्लिम तो, लेकिन शाहीन बाग इतना लंबा चौड़ा धरना चला बहुत टाइम, आपके ऊपर तो वैसे भी आरोप लगता है, क्या आप तो मुस्लिम के खिलाफ ही बोलते हो, वो मौलाना साहब आपको बता गए थे कि आप तो 72 करोड़ के सरदार बनेंगे, आपने वो रैंक भी नहीं दी। अच्छा बात ये कर लें कि ये जो पूरा गेम है सीएए, इंडिया कोई भी लॉ बनाए, पाकिस्तान के लाहौर के जर्नलिस्ट जो हैं, लाहौर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ज्यादातर न्यूज चैनल लाहौर में, वरना मेरे को किसी पर्टिकुलर लाहौर की जर्नलिस्ट से कोई दुश्मनी नहीं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी वहां रहते हैं, 20-20 साल से दोस्त हैं मेरे, जो जर्नलिस्ट बैठे हैं वो जर्नलिस्ट जो हैं वो, उनको ऐसा क्यों लगता है, मतलब कुछ इस तरीके का रिएक्शन होता है जैसे कि उनसे किडनी मांग ली हो इंडिया ने, मतलब यार आप सीए हमने लगाया, हमारे कंट्री में लगा, आप लोग ऐसे कंडेम करने शुरू हो जाते हैं ना कि अरे यार तो मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे, अरे मुसलमानों को देंगे तो पूरा पाकिस्तान यहाँ आ जाएगा, फिर हम कैसे करेंगे। तो दैट्स द थिंग, ये व्हाई इज इट, क्या ये कोई एजेंडा चलता है, जैसे कि कुछ इंडियंस भी आरोप लगाते कि नहीं वहां से एजेंडे चलते हैं, क्या एजेंडा चलता है। नहीं देखें, सिर्फ लाहौर की बात नहीं की जा सकती कि लाहौर के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान में हर जगह जर्नलिस्ट हैं। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, बहुत से लोग कराची से होते हैं, हमारे जो मेन वैसे मीडिया जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, ये तीन जगह से आपको ज्यादातर जो है वो टीवी शोज भी और जर्नलिस्ट भी मिलते हैं। नहीं, मेरा ख्याल ये जो मुझे लगता है कि अगर कोई खिलाफ बात कर रहा है पाकिस्तान से, मैं कह रही हूँ अगर कोई खिलाफ बात कर रहा है, तो या तो उसने पढ़ा नहीं है इस लॉ को, या फिर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं। एक चीज ये भी है, क्योंकि बहुत से हमारे यहाँ से लोग जो हैं वो किसी तरह के भी जो लॉज होते हैं ना, उनको जो आप क्या यानी जो चीजें चलती हैं उसको उन्होंने पढ़ा नहीं होता, या उसको उन्होंने देखा नहीं होता, या किसी से समझा नहीं होता। आप किसी से, बहुत से लोगों के इंडियन फ्रेंड्स हैं, आप उनको फोन करके उनसे बात करके समझ भी सकते हैं, तो शायद इस तरह की भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिससे इनको लगता है कि ये कुछ गलत होने जा रहा है या कुछ नेगेटिव शेड्स लेकर वो आगे बढ़ते हैं। मुझे अभी भी याद है कि एक बार आई थिंक टीवी चैनल का कोई शो था, और वहां पे हम लोग जो थे वो तीन चार पाकिस्तानी पैनलिस्ट भी गए हुए थे, और उस वक्त भी कोई इसी तरह की चीज कोई चल रही थी, कोई कोई लॉ लेकर आया था, मुझे एग्जैक्टली वो लॉ याद नहीं, लेकिन ये कि कुछ था उस वक्त भी जो पाकिस्तान पर शोर मचा रहा था, बड़ा गलत हो गया, बड़ा गलत हो गया ना, ये आना नहीं चाहिए था, ये था वो था, तो वो चार पैनलिस्ट थे और इत्तेफाक से किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या है। मेरे समेत मैं भी वहां थी, मुझे भी नहीं पता था कि, मैं भी बगैर पढ़े गई थी उस वक्त, ये मेरे ख्याल 2 साल पहले की बात है। और वहां पर एक एक करके हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो उस वक्त वो टीवी शो को होस्ट कर रहे थे, मेजर साहब, तो उन्होंने एक एक से पूछना शुरू किया कि भाई आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, उन्होंने बार बार पूछा, जो आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं पढ़कर आए, पढ़ के आए, पता लगा कोई पढ़ के नहीं आया था, तो एक जो थी ना उन्होंने कहा हाँ जी मैं तो पढ़कर आई हूँ, ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा बताएं कितने पेजेस हैं। अब वो उन्होंने सोचना शुरू किया कितने पेजेस है ना, अब वो यूं सोचते सोचते तो इतनी देर में
वो काफी देर हो गई, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, तो मेजर साहब ने कहा बात सुने, उसमें टोटल चाहिए, मुझे भी पता था टोटल सिर्फ 3 पेजेस थे उसके, तो वो काउंट नहीं करना था, तो क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था तो उनको पता ही नहीं था। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि बहुत से हमारी तरफ से जो जर्नलिस्ट हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उनको पढ़ने का शौक नहीं, यकीनन बिजी होते होंगे, बिजी शेड्यूल होता है, भाग दौड़ है, पाकिस्तान में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इस वजह से हो सकता है ना देख पाए हूँ, लेकिन अगर कोई देखे बगैर बात करेगा तो उसको यही लगेगा कि कुछ नेगेटिव आ रहा है, लेकिन वो तो पाकिस्तान की बात है ना रोहित जी, आपके इंडिया में भी बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो यही बात कर रहे हैं, यही सवाल उठा रहे हैं बार बार कि जी ये गलत हो रहा है, ये मुस्लिम्स के साथ गलत हो रहा है, पता नहीं कौन कौन से बैनर लेके खड़े, तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मुस्लिम्स के लिए क्यों गलत है, क्योंकि मुस्लिम्स की तो उसमें कोई बात ही नहीं है, ये बात तो उनकी की जा रही है ना, जो बाकी कंट्री से माइनॉरिटीज आएंगी, और साथ साथ उन लोगों की भी है कि भाई इलीगल तरीके से बहुत से लोग आपके आगे, अभी वो सीमा हैदर ही देख ले, वो जाके 4 बच्चों समेत सेट भी हो गई, तो वो इस तरह के लोगों बिल्कुल को भी शायद चेक किया जा रहा होगा कि इलीगल तरीके से कौन है, क्योंकि जाहिर है उससे भी कंट्री की इकोनॉमी को। और दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासमी जी का अंदाज और उनकी मजेदार बातें आपको काफी पसंद आएंगी, जहां पे आरजू कासमी जी ने अपने अंदाज में सीए के बारे में डिस्कस किया, अपने पर्सनल व्यूज आप सबके सामने रखे। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि आरजू कासमी जी पाकिस्तानी पत्रकार होते हुए भी सीए को समझ गई, पर हमारे देश में रह रहे कुछ शांति दूत और जिहादी आज भी सीए का विरोध कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।